मेरे साथ जज के सामने पेश होना है और मेरे लिए गवाही देनी है। तो जो सबसे पहला मित्र था, सब कुछ इकट्ठा ही था उनका, क्यों नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं तेरे मुसीबत में काम आऊंगा, तो भला और कौन काम आएगा। और ऐसा कहकर वो अपने मित्र के साथ जज के सामने कोर्ट में गवाही देने के लिए चल पड़ता है। तो कहते हैं जैसे उस व्यक्ति के तीन मित्र थे, ऐसे ही हम सब के जितने भी संसार में आत्माएं हैं, तो हम सब आत्माएं ही शरीर लेकर अपना पार्ट बजा रही हैं। हम सबके तीन मित्र हैं, तीन प्रकार के मित्र हैं। आत्मा का सबसे पहला मित्र उसका अपना ही शरीर है। आत्मा सारा दिन जो भी कर्म करवाती है इस शरीर के लिए है। शरीर को आराम देना है, शरीर को भोजन खिलाना है, शरीर को साफ करना है, अब शरीर को आराम देना है। सारा दिन आत्मा इस शरीर के साथ ही रहती है। शरीर और आत्मा जैसे कि एक है, कोई फर्क वाली बात नहीं है। परंतु जब परमात्मा के सामने, धर्मराज के सामने जाना होता है, जब देवदूत लेने के लिए आते हैं, तो सबसे पहला साथ आत्मा का ये शरीर छोड़ देता है। शरीर साथ नहीं जाता है। और दूसरे दोस्त जो ये कह रहा था कि मैं सिर्फ कोर्ट के दरवाजे तक ही जाऊंगा, वो है हमारे मित्र संबंधी, जिनको इस जीवन यात्रा में हमने अपना मित्र बनाया होता है। परंतु वो मित्र संबंधी भी कहाँ तक साथ निभाते हैं, वो भी सिर्फ शमशान घाट तक जाते हैं। बाहर निकलते हैं तो तिनका तोड़कर पीछे की ओर फेंक देते हैं और कहते हैं तुम्हारी तुम तक रही, और बाहर आकर के फिर अपने दुनियावी कार्यों में मस्त हो जाते हैं। तो कहाँ तक गए, सिर्फ दरवाजे तक ही गए। और तीसरा मित्र जिसकी हम बहुत कम परवाह करते हैं, 6 महीने में एक बार, साल में एक बार याद आ गया तो मिल लेते हैं, वो है हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्म। क्योंकि बुरे कर्म तो अक्सर ही हमसे होते ही रहते हैं, जाने अनजाने। अच्छे कर्मों की तरफ हम कभी 6 महीने में, कभी साल में एक बार जाते हैं, कभी सोचते हैं कि चलो बहुत दिन हो गए, काफी महीने बीत गए, कुछ अच्छा काम नहीं किया, कुछ अच्छा काम भी कर लेते हैं। और जब धर्मराज जज के सामने पेश होना होगा, तो हमारे लिए हमारी तरफ से कौन गवाही देगा? हमारी तरफ से गवाही देने वाले हमारे कर्म ही होंगे। इसलिए हमने और तो कुछ नहीं लेके जाना, ये संसार ऐसे ही चलता आया है और ऐसे ही चलता रहेगा। हमारे बड़े भी चले गए और किसी ने भी संसार में सदा के लिए नहीं रहना है, तो हमने क्या लेकर के जाना है अपने साथ? हमारे अच्छे कर्म हमने अपने साथ लेकर के जाने हैं। जैसे कि हमारे प्यारे देवकी माता जी अपने साथ अच्छे कर्मों की एक बहुत बड़ी पूंजी ले गई। सारी जिंदगी उस आत्मा ने, प्रेम मूरत आत्मा थी, प्रेम से ही अपने जीवन को बिताया, प्रेम ही किया, प्रेम ही सभी में बांटा और अपनी एक यादगार हम सबके दिलों में छोड़कर चली गई। मैंने एक दो बार देवकी माता जी को मिला भी है और मैंने उनके बारे में ये सुना है कि बहुत अच्छी प्रेममयी आत्मा थी, अपने सारे जीवन में भक्ति की, धर्म ध्यान किया,
अपनी गृहस्थी भी बहुत अच्छे से निभाई। तो अपने ऐसे अच्छे और प्यारे आदरणीय देवकी माता जी को हम आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से हम बहनें बहुत श्रद्धांजलि देती हैं। हमारे मन में उनके लिए बहुत आदर भाव है और कुछ पंक्तियाँ मैं कहना चाहूँगी उनके बेटे के लिए और जिन्होंने भी अंत समय उनकी सेवा की, सारी जिंदगी उनकी सेवा की। कहा कि माँ ईश्वर का दूसरा रूप होती है और हमारे विजय भाई ने अपनी माँ को ईश्वर के रूप में ही देखा और उनकी पूजा की। कहा करो दिल से सजदा तो इबादत बनेगी, माँ बाप की सेवा अमानत बनेगी। खुलेगा जब तुम्हारे गुनाहों का खाता तो माँ बाप की सेवा तुम्हारी जमानत बनेगी, जमानत बनेगी। कहा इन आँखों के बरसने को का कोई मौसम नहीं होता। भाई जी कहते हैं मैं अपने दुश्मनों के बीच भी हमेशा महफूज रहता हूँ क्योंकि उनकी माँ की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता। जो उनकी माँ उन्हें दे कर के गई तो सब फूले फले, उनकी यही ऐसी आशीर्वाद थी। और अच्छे कर्म करें तो सबके लिए यही हमारी शुभ भावना, शुभ कामना है कि अपनी माँ की इच्छाओं को सब पूर्ण करें। ओम शांति। दंड को नहीं देखता है, ये भौतिक संपत्ति है, पैसा है, ये स्वर्ण के समान होता है। रात्रि को पैसा है, प्रातः काल है नहीं। जो ये आयु है, उम्र है, ये आकाश में चमकने वाली बिजली के समान चंचल होती है। भगवान कहते हैं हे गण, उसी प्रकार ये जवानी है, ये भगवान कहते हैं फूल के समान होती है। जब इतनी बातें मनुष्य अच्छी प्रकार जानता है, जानकर भी उसको धैर्य प्राप्त नहीं होता है। भगवान कहते हैं हे गण, प्राणी को मैं 100 साल की आयु निर्धारित कर देता हूँ, भाई आपने 100 वर्ष से पहले नहीं मरना। तो भगवान कहते हैं वो भी उसके लिए बहुत कम है। आधी उम्र को आलस्य में चली जाती है, आधा भाग बाल अवस्था में चला जाता है, उसमें रोग लग जाते हैं, उसमें चिंता लग जाती है। इसी आदि के थोड़े के पश्चात जरा में चला जाता है, बीमारी है, कचहरियों में चला गया, उसके पश्चात रह जाता है थोड़ी सी उम्र, उसमें आ जाता है बुढ़ापा, बुढ़ापे में लग जाते हैं अनेक रोग। तो भगवान कहते हैं हे गण, जिस प्रकार आता है उसी प्रकार चला जाता है। इसलिए क्षण भर में जल से जिस प्रकार फेन उड़ता है, क्षण भर में नष्ट हो जाता है, इसी प्रकार ये शरीर की अवस्था। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गर्भ, मंगलम पुण्य काक्ष, मंगला दो बेटा देता ना मैं ठीक है भैये Thank you.
कहता है कि आपने मेरे साथ जज के सामने पेश होना है और मेरे लिए गवाही देनी है। तो जो सबसे पहला मित्र था रहता था, सब कुछ इकट्ठा ही था उनका, कुछ भी होता है और कहता है मैं तेरा दोस्त तो हूँ पर इन कोर्ट कचहरियों के चक्कर में मैं नहीं आऊंगा, तू और किसी को पूछ ले। उसके दिल को बड़ा धक्का लगता है, क्यों नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं तेरे मुसीबत में काम आऊंगा तो भला और कौन काम आएगा। और ऐसा कहकर वो अपने मित्र के साथ जज के सामने कोर्ट में गवाही देने के लिए चल पड़ता है। तो कहते हैं जैसे उस व्यक्ति के तीन मित्र थे, ऐसे ही हम सब के जितने भी संसार में आत्माएं हैं तो हम सब आत्माएं ही शरीर लेकर अपना पार्ट बजा रही हैं। हम सबके तीन मित्र हैं, तीन प्रकार के मित्र हैं। आत्मा का सबसे पहला मित्र उसका अपना ही शरीर है। आत्मा सारा दिन जो भी कर्म करवाती है इस शरीर के लिए है। शरीर को आराम देना है, शरीर को भोजन खिलाना है, शरीर को साफ करना है, अब शरीर को आराम देना है। सारा दिन आत्मा इस शरीर के साथ ही रहती है। शरीर और आत्मा जैसे कि एक है, कोई फर्क वाली बात नहीं है। परंतु जब परमात्मा के सामने, धर्मराज के सामने जाना होता है, जब देवदूत लेने के लिए आते हैं, तो सबसे पहला साथ आत्मा का ये शरीर छोड़ देता है। शरीर साथ नहीं जाता है। और दूसरे दोस्त जो ये कह रहा था कि मैं सिर्फ कोर्ट के दरवाजे तक ही जाऊंगा, वो है हमारे मित्र संबंधी, जिनको इस जीवन यात्रा में हमने अपना मित्र बनाया होता है। परंतु वो मित्र संबंधी भी कहाँ तक साथ निभाते हैं, वो भी सिर्फ शमशान घाट तक जाते हैं। बाहर निकलते हैं तो तिनका तोड़कर पीछे की ओर फेंक देते हैं और कहते हैं तुम्हारी तुम तक रही, और बाहर आकर के फिर अपने दुनियावी कार्यों में मस्त हो जाते हैं। तो कहाँ तक गए, सिर्फ दरवाजे तक ही गए। और तीसरा मित्र जिसकी हम बहुत कम परवाह करते हैं, 6 महीने में एक बार, साल में एक बार याद आ गया तो मिल लेते हैं, वो है हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्म। क्योंकि बुरे कर्म तो अक्सर ही हमसे होते ही रहते हैं जाने अनजाने, अच्छे कर्मों की तरफ हम कभी 6 महीने में, कभी साल में एक बार जाते हैं। कभी सोचते हैं कि चलो बहुत दिन हो गए, काफी महीने बीत गए, कुछ अच्छा काम नहीं किया, कुछ अच्छा काम भी कर लेते हैं। और जब धर्मराज जज के सामने पेश होना होगा तो हमारे लिए हमारी तरफ से कौन गवाही देगा, हमारी तरफ से गवाही देने वाले हमारे कर्म ही होंगे। इसलिए हमने और तो कुछ नहीं लेके जाना, ये संसार ऐसे ही चलता आया है और ऐसे ही चलता रहेगा। हमारे बड़े भी चले गए और किसी ने भी संसार में सदा के लिए नहीं रहना है, तो हमने क्या लेकर के जाना है अपने साथ, हमारे अच्छे कर्म हमने अपने साथ लेकर के जाने हैं। जैसे कि हमारे प्यारे देवकी माता जी अपने साथ अच्छे कर्मों की एक बहुत बड़ी पूंजी ले गई। सारी जिंदगी उस आत्मा ने, प्रेम मूरत आत्मा थी, प्रेम से ही अपने जीवन को बिताया, प्रेम ही किया, प्रेम ही सभी में बांटा और अपनी एक यादगार हम सबके दिलों में छोड़कर चली गई। मैंने एक दो बार देवकी माता जी को मिला भी है,
और मैंने उनके बारे में ये सुना है कि बहुत अच्छी प्रेममयी आत्मा थी, अपने सारे जीवन में भक्ति की, धर्म ध्यान किया, अपनी गृहस्थी भी बहुत अच्छे से निभाई और बहु बेटे भी विजय भाई और डिंपल जी बहुत अच्छे, उन्होंने अपने बच्चों को आज्ञाकारी बनाया, सुपुत्र बनाया और उन्हीं बेटे सेवा भी की। तो अपने ऐसे अच्छे और प्यारे आदरणीय देवकी माता जी को हम आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से हम बहनें बहुत श्रद्धांजलि देती हैं। हमारे मन में उनके लिए बहुत आदर भाव है और कुछ पंक्तियाँ मैं कहना चाहूँगी उनके बेटे के लिए और जिन्होंने भी अंत समय उनकी सेवा की, सारी जिंदगी उनकी सेवा की। कहा कि माँ ईश्वर का दूसरा रूप होती है और हमारे विजय भाई ने अपनी माँ को ईश्वर के रूप में ही देखा और उनकी पूजा की। कहा करो दिल से सजदा तो इबादत बनेगी, माँ बाप की सेवा अमानत बनेगी, खुलेगा जब तुम्हारे गुनाहों का खाता तो माँ बाप की सेवा तुम्हारी जमानत बनेगी, जमानत बनेगी। कहा इन आँखों के बरसने को का कोई मौसम नहीं होता, भाई जी कहते हैं मैं अपने दुश्मनों के बीच भी हमेशा महफूज रहता हूँ क्योंकि उनकी माँ की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता, जो उनकी माँ उन्हें दे कर के गई तो सब फूले फले, उनकी यही ऐसी आशीर्वाद थी और अच्छे कर्म करें तो सबके लिए यही हमारी शुभ भावना शुभ कामना है कि अपनी माँ की इच्छाओं को सब पूर्ण करें। ओम शांति। Okay.
दंड को नहीं देखता है। ये भौतिक संपत्ति है, पैसा है, ये स्वप्न के समान होता है। रात्रि को पैसा है, प्रातःकाल है नहीं। जो ये आयु है, उम्र है, ये आकाश में चमकने वाली बिजली के समान चंचल होती है। भगवान कहते हैं हे गण, उसी प्रकार ये जवानी है, ये भगवान कहते हैं फूल के समान होती है। जब इतनी बातें मनुष्य अच्छी प्रकार जानता है, जानकर भी उसको धैर्य प्राप्त नहीं होता है। भगवान कहते हैं हे गण, प्राणी को मैं 100 साल की आयु निर्धारित कर देता हूँ। भाई आपने 100 वर्ष से पहले नहीं मरना। तो भगवान कहते हैं वो भी उसके लिए बहुत कम है। आधी उम्र को आलस में चली जाती है, आधा भाग बाल अवस्था में चला जाता है, उसमें रोग लग जाते हैं, उसमें चिंता लग जाती है। इसी आदि के थोड़े के पश्चात जरा में चला जाता है, बीमारी है, कचहरियों में चला गया, उसके पश्चात रह जाता है थोड़ी सी उम्र, उसमें आ जाता है बुढ़ापा, बुढ़ापे में लग जाते हैं अनेक रोग। तो भगवान कहते हैं हे गण, जिस प्रकार आता है उसी प्रकार चला जाता है। इसलिए क्षण भर में जल से जिस प्रकार फेन उड़ता है, क्षण भर में नष्ट हो जाता है, इसी प्रकार ये शरीर की अवस्था प्राणी चलता है। जब ये जीवात्मा उस शरीर का त्याग कर देती है तो वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। क्यों? बोलता नहीं, हिलता नहीं, चलता नहीं, सुनता नहीं, देखता नहीं, तो कहते हैं कि मृत्यु को प्राप्त हो गया। मृत्यु के बारे में केवल राजा परीक्षित को बताता कि आज से 7वें दिन मेरी मृत्यु होवेगी, क्योंकि वो ऋषि के श्राप से बंधा हुआ था। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम नरध्वज मंगलम पुनरेकाक्ष मंगला। आ जाओ बेटा, देता ना मैं, ठीक है भैये उधर पवित्र पावन महेश। Thank you.